और टाइमर चालू हो चुका है, टाइमर चालू होते ही दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में 30 पूरी और सब्जी कंप्लीट करके। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में पूरी और सब्जी लगी हुई है, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है पूरी और सब्जी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी पूरी लगी हुई है, तो आज हमारा सब्जी पूरी ईटिंग चैलेंज है और चैलेंज में शंकर जी और मोहम्मद हसीन जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में सबसे पहले 30 पूरी और सब्जी कौन उड़ाता है, कौन 300 रुपए की राशि लेकर जाता है, कौन सिर्फ सब्जी पूरी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो इनाम की राशि है उसको सुनते ही मोहम्मद हसीन पूरी तरह से एकदम सिकुड़ बटुर गए, मतलब आज मात्र 300 रुपए का इनाम है। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 300 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए। हो जाए भैया बात कर, और टाइमर चालू हो चुका है, टाइमर चालू होते ही दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में आ गए हैं। तो देखते हैं जो साहस लगाए उस साहस को कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में 30 पूरी और सब्जी कंप्लीट करके जो है 300 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और जो साहस लगाए हैं उस साहस को देखते हैं कितना आगे ले जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। और मोहम्मद यसीन जो बाइट ले रहे हैं एक पूरी बराबर एक बाइट कर रहे हैं और इसका जवाब शंकर भी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, कौन सबसे पहले मंजिल पर पहुंचता है, शंकर या फिर मोहम्मद यसीन। जो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा वही पाएगा 300 रुपए का धधकता इनाम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और जो फॉर्म लगाया है उस फॉर्म को देखते हैं कितनी देर तक कायम रखते हैं। और इस समय जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बहुत गजब परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, मतलब छत की ओर जा रहे हैं दोनों लोग। बहुत बढ़िया, और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं और एक मिनट में 5-6 पूरी तो खा ही लिए हैं दोनों चैलेंजर। और जो स्पीड और धैर्य लगाए बहुत गजब की स्पीड और धैर्य के साथ दोनों लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो देखना है कि कोई ब्रेकर बीच में आता है या पूरी तरह से सर पर दौड़ते चले जाते हैं। अगर ब्रेकर बीच में आ गया तो समझ चलिए जो सर पर दौड़ है वो दौड़ जो है थोड़ा सा स्लो होती नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर स्लो कोई भी नजर आने वाला नहीं है। दोनों लोग पूरी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए बहुत गजब तरीके से भागते नजर आ रहे हैं और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही चैलेंजर बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जो साहस लगाए देखते हैं कितना आगे ले जाते हैं, एंड में पता लगेगा कि 30 पूरी कौन सबसे पहले फिनिश करता है, 30 पूरी ये लोग कंप्लीट भी कर पाते हैं या नहीं आज। हाँ, क्योंकि जो है जो चैलेंजर की स्पीड होती है वो लास्ट में ही पता चलता है। धीरे धीरे जैसे भंडारण होता जाता है उसी तरह से स्पीड भी धीमी होती चली जाती है। और जो बाइट लगा रहे हैं मोहम्मद यसीन बहुत नपी तुली बाइट लगा रहे हैं, एक पूरी बराबर एक बाइट, और जो सब्जी लगा रहे हैं उसकी बात ही छोड़िए। और इधर शंकर मोहम्मद यसीन के बाइट का जवाब अपने एक पूरी से एक बाइट का दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और यहाँ पर पानी की चुस्की पवन भी लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि भाई पानी जिंदगानी है, कुछ न कुछ पीते खाते रहना चाहिए। और 2 मिनट 13 सेकंड का जो टाइमर दर्शा रहा है बहुत अच्छा, बहुत मस्त अपना प्रदर्शन कर रहा है। टाइमर भी सोच रहा है कि हम इन लोगों के साथ तो नहीं चलेंगे लेकिन इनको अपने साथ जरूर चलाएंगे। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा बोलते हुए मुंह सूख रहा था, इस वजह से हमने कहा पानी पी लेते बहुत गजब। और देखते ही देखते शंकर और मोहम्मद यसीन काफी हद तक का जो रास्ता है मंजिल का काफी हद तक का तय कर चुके हैं और इन रास्तों में अभी तक कोई रुकावट नहीं आई, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया। बहुत गजब तरीके से शंकर भी एकदम नपी तुली बाइट लेकर नपी तुली और करीब चले जा रहे हैं। करीब करीब आधा रास्ता दोनों चैलेंजर तय कर चुके हैं, आधी सब्जी और आधी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत गजब। और बहुत गजब का जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं दोनों लोग, इनके परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया, और देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करते हैं। और सब्जी चाहिए और तो सब्जी सब्जी ले सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर जो यसीन जी कह रहे हैं सब्जी नहीं चाहिए, और शंकर जी देखते हैं सब्जी लेते हैं या नहीं, इतनी ही सब्जी से काम चला लेते हो हैं। सकता है कि इतनी ही सब्जी से दोनों लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये लोग स्पीड दिखा रहे हैं अभी उस स्पीड में कोई आप गजब की स्पीड लगाना चालू की, मतलब एकदम दो दो बनाना चालू कर दिए हैं। तो यसीन जी देखते हैं क्या करते हैं, और यसीन जी अगर ऐसे ही चलते रहे तो भैया चैलेंज में जीत नहीं पाएंगे। बात गजब, और पूरियों को एकदम चकनाचूर कर देना चाहते हैं शंकर, सोच रहे हैं कि जितना चूरा बना लेंगे उतना हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। और रगड़ना चालू कर दिए हैं पूरी को एकदम पूरी तरह से।
क्योंकि 1000 बोनस भी मिल जाएगा अगर चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, इनाम कम लग रहा है तो। किसको? दोनों चैलेंजरों को। बहुत गजब, मतलब 1300 मतलब बोनस को लेकर 1300 रुपए हो चुका है शंकर टाइम की फाउंडेशन। और यसीन जी भी चाहेंगे अगर दूसरा हाथ भी निकाल लेंगे तो हमको लग रहा है कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, क्या 30 पूरी खा लेते हैं कि नहीं। और हमको नहीं लग रहा है एक हाथ से खाएंगे तो यसीन जी आगे जा पाएंगे। बहुत गजब। और देखते ही देखते 4:30 के ऊपर टाइमर जा चुका है और इस 4:30 में अभी भी लगभग काफी हद तक का पूरियों का भंडार लगा हुआ है इन लोगों के थाली में, जबकि शंकर के थाली में काफी हद तक की पूरियां एकाएक भागती नजर आई है और वो पूरियां पूरी तरह से चूरा बन गई है, एकदम चावल की तरह बाइट बनाना चालू कर दिया है शंकर और यहाँ पर रगड़ना चालू कर दिया है पूरियों को। यसीन जी कह रहे हैं आज एक ही हाथ से खाएंगे और शंकर जी को हरा करके दिखाएंगे, लेकिन शंकर जी भी आज मानने वाले नहीं है, आज बिल्कुल गर्दा उड़ाने के उसमें बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया कहते हैं भैया, देखते हैं क्या बोनस की राशि कौन लेकर के जाते हैं, शंकर जी या फिर मोहम्मद यसीन। बहुत बढ़िया, बोनस की राशि तो ऐसा लग रहा है कि भागते हुए नजर आ रहा है शंकर की तरफ, क्योंकि शंकर पूड़ियों के एकदम कचूमर बनाते नजर आ रहे हैं, एकदम चकना चूर कर दे रहे हैं, एकदम मटिया मेट कर दे रहे हैं पूड़ियों की, पूरी तरह से नस को एकदम तोड़ तोड़ अंदाज में बिल्कुल आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। हमको लगा कि यसीन जी इनाम की राशि की वजह से थोड़ा सा पीछे लग रहे हैं, इस वजह से हमने कहा 1000 रुपए बोनस रख देते हैं। हाँ, मतलब 1300 इनाम हो गया है। यहाँ पे टाइम की तो कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन बोनस की भरमार बहुत तेजी से आ गया है, मतलब 1000 बोनस है, जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा 1000 बोनस के साथ 300 रुपए का नगद पुरस्कार उपलब्ध हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब लग रहा है दूसरा हाथ निकालने का सोच रहे हैं, लेकिन कह दिए है इस वजह से थोड़ा संकोच कर रहे हैं। हाँ। और इधर शंकर पूरी तरह से जितनी पूड़ियां थे उसको एकदम घसरम घसरम समेट लिए हैं, बिल्कुल समेट लिए हैं और पूरी तरह से बाइट बनाने के लिए तैयार भी रख दिए हैं, सोच रहे हैं कि चावल की तरह बाइट बनाते हुए खाएंगे और मोहम्मद यसीन को हरा कर 1300 रुपए लेकर जाएंगे। क्योंकि शंकर जी जब ठान लेते हैं चैलेंज को विन करना है तो विन करना है और उस दिन विन करके ही पीछे हटते हैं। बहुत गजब। और पूरी तरह से टाइट होते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी चैलेंज में आगे जा पाएंगे। और जब ग्रीन सिग्नल इनको मिलता है या फिर मोहम्मद यसीन जी जो है जैसे हर बार होता है कि एंड में बाजी मार जाते हैं, वही शंकर जी के साथ होता है। बहुत गजब। और देखते ही देखते लगभग शंकर जो चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से अंजाम देना भी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वही ऐसा लग रहा है हाथी चली गई, पूछ अटक गई है, वही हाल हो गया शंकर। यहाँ पर पूछ मत अटकाइए शंकर जी, पूरी तरह से पूछ को भी एकदम निकाल दीजिए, क्योंकि मोहम्मद यसीन की जो रफ्तार है एक तरफा रफ्तार है और ऐसी रफ्तार है कि ऐसा लग रहा है हो रहे हैं और तेजी भी नहीं हो रहा है, इशारा हो चुका है शंकर जी को। और देखते ग्रीन सिग्नल का इशारा हो गया है तो कितना आगे जाते हैं, क्या यसीन जी वहां तक 5 पूरी को पीछे रख करके पहुंच पाते हैं नहीं अभी भी। और लगभग शंकर जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यसीन को हारना तय है, क्योंकि 1300 रुपए इनके पास नहीं जाना चाह रहा है और पूरी तरह से शंकर की ओर इशारा करना चालू कर दिया है। मोहम्मद यसीन बार बार थाली देख रहे हैं शंकर के, थाली ही देखते रह जाएंगे, आज खाली खाली हो जाएगी। शंकर जी बिल्कुल ठान लिए कि आज यसीन जी को गर्दा उड़ा करके छोड़ना है। और देखते ही देखते शंकर लास्ट बाइट पूड़ी और सब्जी की उठा ली है और इसी के साथ इस चैलेंज को जीत गए हैं मोहम्मद यसीन। तो शंकर जी आए, हौसला दिखाए, शंकर जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं। मोहम्मद यसीन जी आराम से खाते रहिए और पूड़ी सब्जी चाहिए तो और ले लीजिए। पूड़ी सब्जी ईटिंग चैलेंज में लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इस चैलेंज में शंकर जी विन कर चुके हैं, शंकर जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पूरी सब्जी खाने के इस चैलेंज में मोहम्मद यसीन और शंकर दोनों लोग पूरी तरह से इस चैलेंज को लेकर आगे बढ़े थे, लेकिन मोहम्मद यसीन आज एक ही हाथ से पूरा चैलेंज कर चुके थे लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। यसीन जी सोच रहे थे कि 30 पूरी शंकर जी खा नहीं पाएंगे और एंड में जब ना बोल देंगे उसके बाद आराम से खाएंगे तब भी हम विन कर जाएंगे, आज थोड़ा सा ज्यादा फूले फिर रहे थे और शंकर जी ने बता दिया भैया कि जब हम फॉर्म में रहते हैं तो आप भी ध्यान दीजिए नहीं तो चैलेंज में विन नहीं कर पाएंगे। हाँ। तो शंकर जी इस चैलेंज में विन कर चुके हैं, तो आपको यहाँ चैलेंज कैसे लगा? बहुत मजा आया। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई पूरी सब्जी? ज्यादा तीखा तो नहीं था? तीखा था भाई हमको। शंकर को तीखा हो ही जाता है। गए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं दिक्कत नहीं हुई, सब्जी जो बना था ना मतलब बहुत जम रही, बहुत ज्यादा। अच्छा, थोड़ी सी खट्टी मीठी थी इस वजह से। तो यसीन जी आपको क्या दिक्कत आई कि आज आप पूरी सब्जी में पीछे रह गए? खट्टी मीठी मतलब खट्टा नहीं चलता है। हाँ। इनके जगह पे अगर राजू होते तो खट्टा बहुत तेजी से चला लेते। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।